Hi there guys, today I'm going to tell you how to make a WooCommerce products recommendation in WordPress website. Let's move forward. First of all, we have to add a new plugin which name is Leo product recommendations for WooCommerce. I have already installed this plugin. I have to activate it right now. दोस्तों हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और इस प्लगइन के अंदर हब इसके अंदर फायदा ये होगा वो आपको दिखाते हैं इसकी सेटिंग्स कहां कहां से हमें मिलेंगी और हमें क्या क्या ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं. सबसे पहले हम यहां से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं. ठीक है जी, और आपको दिखा दें डॉक्यूमेंटेशन में से क्या मिल रहा है. ये मैं खोल लेती, मैं सेटिंग्स पे आता हूँ. ये देखिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई भाई, किस तरह इसको यूज करना है और कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है. फिलहाल इसकी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. देखिए ये जो पॉपअप खुलेगा हमारे पर वो कॉमर्स रिकमेंडेशन का, जब एड टू कार्ट करेंगे डिफॉल्ट टेक्स्ट ही है. ठीक है, अगर हेडिंग और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग के टैग में हेडिंग और पी के टैग में डिस्क्रिप्शन, अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं. ठीक है जी, मैंने डिफॉल्ट करा. उसने कहा भाई पॉपअप कितनी बार दिखाने, मैंने कहा भाई एवरी टाइम दिखाना जब भी ऐड टू कार्ट करे, और वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी ऐड टू कार्ट में, मैंने कहा जी भाई होनी चाहिए. ठीक है जी, ये ग्रिड ऑप्शन दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे कितने हो, मोबाइल पे, टैबलेट पे, और ये कितने हो, गैप कितना हो प्रोडक्ट्स की ग्रिड के बराबर बिटवीन. ठीक है जी, ये हो गया. ये दोनों प्रो ऑप्शन है कि ये पॉपअप के स्लाइडर के ऑप्शन है और पॉपअप के ऑप्शन है. ठीक है जी, ये फिलहाल डिफॉल्ट जो है ये आपका ये सेलेक्ट हुआ ग्रिड वाला ही मिलेगा जो ऑप्शन आ रहे होंगे, जितनी ग्रिड प्रोडक्ट्स होंगे ये सारे प्रो ऑप्शन है. तो मैं इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा रहा हूँ, फ्रंट से आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में इसका व्यू कैसा आएगा. ये भी प्रो ऑप्शन है, सारे सेटिंग से सेलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, कस्टम सीएस यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी, ग्लोबली क्या ऑप्शन है इसके अंदर, ग्लोबली इसके अंदर ये ऑप्शन है कि प्रोडक्ट रिलेटेड कैटरी करना है या मैनुअल करना है. ठीक है जी, तो यहाँ से फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, हमें तो पर प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है ना. नंबर प्रोडक्ट्स 12 शो होनी चाहिए. ठीक है, रैंडम प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट फिल्टरिंग, ये एक ऑप्शन दिए हुए, ये सारी चीज़ें हमने जाके हर पर प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है. तो हम जाएंगे पहले फ्रंट से देखते हैं कि फ्रंट से क्या आ रहा है हमारे पास. सही है जी, मैं व्यू पे आता हूँ, व्यू वेबसाइट पे. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहे. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है जी, मैं कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारे पास ऐड टू कार्ट पे पॉपअप आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, ये हमें रिकमेंड कर रहा है ऑल कैटेगरीज में. अब मैं जाता हूँ, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है. ठीक है जी, ये इसकी ग्रिड आ रही है, ये चेकआउट बटन और आपका कंटिन्यू शॉपिंग का बटन. ऐड टू कार्ट में पहले से कार्ट के अंदर 7 प्रोडक्ट्स पड़े हैं. ठीक है, जब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. ठीक है जी, मैं आया रिटर्न टू शॉप पे आया और मैं अब जाऊंगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा मैं. यहाँ ये मैन्युअली उठा रहा है रैंडम ना. ठीक है, मैं जाता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक, जैसे कि कैनवास हमारे पास प्रोडक्ट कम है, शर्ट वाले ज़्यादा हैं. मैं शर्ट वाले पे जाता हूँ, टी शर्ट 1 पे. हाँ ठीक है जी, अब इसके अंदर रिकमेंडेशन में हमें क्या प्रोडक्ट दिखानी है, तो ये मैं आपको दिखाया था. रिकमेंडेशन का टैब्स आ रहा है हमारा. ठीक है, मैं रिकमेंडेशन पे आया, वही ऑप्शन आ रहे हैं जो बस मेन सेटिंग्स में आ रहे थे. मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है. सही है, सब जगह लिखा हुआ. डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैनुअली वही आपको ट्रिगर करेगा. डायनेमिक सेलेक्शन, ये इन्होंने पेड ऑप्शन दिया हुआ है, डायनेमिक सेलेक्शन का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर. ठीक है जी, मैनुअली किस तरह करेंगे, ऑल कैटेगरी आ रहा है. मैंने ऑल नहीं करो, शर्ट वाली पे आ जाओ. शर्ट वाली है मैंने 2, ये और ये. ठीक है जी, ये करा रही है तो यही तीनों शो होने चाहिए. ठीक है, तो रिकमेंडेशन में हमारे पास यही तो 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, चाहे आप शॉप के पेज से, होम के पेज से प्रोडक्ट टू कार्ट करें या आप सिंगल प्रोडक्ट डिटेल पेज से करें. तो टी शर्ट 1 पे आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को. तो टी शर्ट 1 हमारे पास कहाँ है दोस्तों, ये रही. मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, एक पॉप खोलना चाहिए हमारे पास. ये देखिए कितनी शर्ट्स मैंने ऐड करी है यहाँ पे दोस्तों, 3 शर्ट ऐड करी, 4, 3, 2. तो 4, 4, 3, 2 ये तीनों ऐड हो गए हमारे पास.
पहले से इसमें ऐड टू कार्ट सिर्फ एक हुई है, तो अब ये मैंने ऐड टू कार्ट करी थी, तो अब इसमें से आपको रिकमेंडेशन दे दी, आप जाएं अलग अलग प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट करें, एक ही जगह रिकमेंडेशन दे दी ताकि ये ऐड टू कार्ट आप यहाँ से हो जाए। ठीक है, स्टाइलिंग करनी है, बटन की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ कस्टम से इसको ऑप्शन था एडमिन के अंदर। मैंने कहा भाई ये भी ऐड टू कार्ट कर दो, ये भी ऐड टू कार्ट कर दो और ये भी ऐड टू कार्ट कर दो। ठीक है जी, तीन ये ऐड टू कार्ट हो गई और एक जो मेन प्रोडक्ट थी वो ऐड टू कार्ट हो गई। अब यहाँ से भी ऐड टू कार्ट पे जा सकते थे आप कार्ड पे, और जो पॉप में ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ से भी जा सकते थे। तो ये देखिए एक दो तीन चार प्रोडक्ट्स आपके ऐड टू कार्ट हो गई। ठीक है जी, देख लिया आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी जो आपको सेलेक्ट करनी हो। टी शर्ट्स हैं आपके पास, हुडीज हैं, इस तरह जो हमें फिलहाल प्रोडक्ट्स ही साथ पड़ी हैं तो उसमें इसमें इतने दिखाएगा नहीं इतना। ठीक है, तो इसमें फिर आपको प्रोडक्ट पूरा मैं प्रोडक्ट वो करके दिखा देता हूँ आपको एक ऑर्डर, ताकि आइडिया हो जाए आपको। ये सारी प्रोडक्ट्स सेट टू कार्ट हो गई, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हुआ सेट हुआ है। ये देखिए ये रिकमेंडेशन के साथ ये तीन प्रोडक्ट्स, ये रिकमेंडेशन वाली और एक प्रोडक्ट मेन ऐड टू कार्ट हुई है। ठीक है, मैं आता हूँ ऑर्डर में चेक करता हूँ, वो कॉमर्स ऑर्डर में आया। तो ये देखिए 11 सेकंड में पहले ऑर्डर आया हमारे पास। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गया सारा ऑर्डर कि किस तरह कौन कौन सी शर्ट जैसे डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो कॉमर्स का वैसे आ गया। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।